मेरा एक ही सवाल हूँ जो कोई कहता कि मैं एक्टर बनना है. My question is, do you want to be an actor or do you want to be a star? If you want to be a star, that picture की shooting करके आया पटियाले. Picture का नाम है Son of Sardar. अजय देवगन है, सोनाक्षी है, मैं. And it's a comedy action. And a very very interesting film. नहीं जी, अजय तक तो सब कुछ किया है, कॉमेडी भी की है, तो thrillers. But I mean, रोल आते रहते ने. And interesting roles आते ने. And it's always nice to keep working on it. Project सी का जरा फंस गया सी. Okay. फिर मैं सोचा एक करना तो हैगा, हूँ किदा करिए. हाँ. जाट बंदे हैं. हाँ. तो जाके पापा ने पूछा, पापा मैं डायरेक्टर बनना है. कहता तेनू लगता बन जाएगा? मैं क्या, हाँ तो फिर कर ला. अरे क्या बात है. फिर उत्थे मैं छाल मारती थी, पिक्चर कर ली. फिर उसके बाद ऑब्वियसली इन फिल्मों मेरे असाइनमेंट सी एज एन एक्टर, तो डायरेक्शन लिए बहुत टाइम देना पैंता है. तो उसलिए फिर मैं अगे नहीं किया. क्या बात है भाई. मैं तुम्हें एक गल दस दूं, जो गायल फिल्म आई थी ना थोड़ी, मतलब जिड्डा थोड़ा हाथ है जाए कि जी स्पोर्ट्स के जिन्ना आ सकते हो आओ, किड़ा भी स्पोर्ट्स खेलना खेडो, हॉकी होए, क्रिकेट होए, कबड्डी होए, जेड़ा मर्जी स्पोर्ट्स है, लेकिन एक स्पोर्ट्स नू फड़ो. सत श्री अकाल, मैं सोनू सूद, मैं अपने सारे पंजाबी भावों नू सब नू एक बिनती करना चाहवांगा कि जेड़ा साडा लॉकडाउन है, इहदी रिस्पेक्ट करो, बाहर ना निकलो. पर जदों तुसी बाहर जाने हो कोई जरूरी काम लई, अपने कोई सब्जी भाजी लैण लई, दुध लैण लई, हमेशा मास्क लो. जरूरी नहीं है कि मास्क मेडिकल मास्क होना चाहिए. यकीन करके कि नहीं, यही है. मैं बस दौड़दा पिया. आपां कदी अपने आप नू क्वेश्चन नहीं करते कि एक मिनट लई थम के ना कि यार तू यही करना जिंदगी च, यह खुशी दिंदा पिया तेनू. तो वह आई थिंक अज स्पैशली अजकल दे दौर च ना, वह इन्नी रफ्तार नाल चलदी पई है कि सानू साडे कोल एक भी मोमेंट नहीं है वह सोचण लई कि यार बहुत सक्सेसफुल ने. जे जिहड़ा चैलेंज वह पोस्ट करते हैं फिल्मों लई, और कोई नहीं कर सकता क्योंकि उत्थे सेंसरशिप बड़ी लीनियंट है. तुसी ज़्यादा क्वकी हो सकते हो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो. तो फिल्मों तुहानू कुछ इहोजिहा चूज करना पैना है सबजेक्ट जिहड़ा बिल्कुल वखरा होए, तो ऑडियंस नू वो मोटिवेट करे. मेरे दिमाग च गल आ गई, मैं एक्टर बनना है. तो मैं किसी गल सुनी नहीं, और मेरे को पैसे नहीं है. 30 रुपये मैं लिटरली 30 रुपये लैके मैं फ्रंट मेल गड्डी फड़ी. अच्छा. तो बंबई पहुंच. अब चिल्ला रही है, फिर मैं भी छाल मार गए उसकी पकड़ गए. मैं कहा यार किधर कुड़ी किधर मर सकती है सर, जब तक अभी जिंदा है. हाला पकड़ के लिया, फिर इतने में पहुंचे. और उसके बाद यह है कि अन्य बच्चों की तालीम वास्ते, उन्होंने दिलचस्पी वास्ते, अन्य स्टूडेंट जोड़े है लॉ दे, लिटरेचर, हिस्टरी, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते असी रिकॉर्डिंग बुक्स का प्रोजेक्ट. उन्होंने फरमाया कि जब किसी वो पिक्चर देखी है वो तो बड़े छोटे बड़े छोटे गए. उस पिक्चर की जोड़ी हीरोइन थी वो भी बड़ी उदो छोटी, उसका नाम है नूर जहां. जुड़े रहे. एक खास वातावरण सी कि मेरी नानी वो चाहती सी कि मैं पंजाबी बचपन तो सीखा जी. ते उन्होंने साइट की प्रॉब्लम सी, ते वो रोज मैं कहती सी कि पुत्र जरा समझ आ कि भाई मत्था टेकने तो पहले कोई काम नहीं करना चाहिए. मैं हले अपने हल्के च गया नहीं, हूँ इतों मैं जावांगा अपने हल्के च. ते मैं पूरा विश्वास है कि एक बार फिर गुरदासपुर की जनता मैनू अपना करके स्टार बन जाते हैं. कुछ साढ़े जैसे फकीर बन गए, कोई गल नहीं. ताजदारा दे ना अमीर दे दीवे जलते ने सदा फकीर दे. ऐसी करम नवाजी मेरे पीर की हथ की लकीर बदल दे. तो लगे कि कहानी तो बहुत जबरदस्त है, एज एन एक्टर भी और एक इंसान होने के नाते भी मैं सीख सकता जी. सर जी, मैं कह सकते हैं आज का यूथ बड़ा घट अवेयर है यह जी रिलीजियस मूवी. ओके, रिपोर्ट हो गया कम जी. तुम सोच रहे होंगे यार इन्हों दंगल च वेख्या सी, स्त्री च वेख्या सी, इन्हें एंकरिंग शुरू कर दी PTC. नहीं जी नहीं, मैं क्या जी, मैं तो आया निखिल भाई के शो से. पता की है ना यार, देखो मैं RJ सीगा, एंकर सीगा, वो मेरा कीड़ा जाना नहीं है. आओ बुला लेने शो से एंकर नु. की हाल चाल जी? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक. हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब? मेरा बिल्कुल फिट एंड फाइन. क्या बात है. मतलब मैं वेख के देंदे नहीं सके, तो मैं कि कितों मांगा पैसे फिर.
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫੁਕਰੇ ਰਿਟਰਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੂਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੂਚਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੂਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚੂਚਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹ ਤੇ ਚਾਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁਕਰੇ ਰਿਟਰਨਸ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਬੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨੇ 30-30, 35-35, 40 ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮੋੜ ਦਿਲ ਕਈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯੂਨੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨੋ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ